ठीक है चालू करते हैं, समय हो रहा है। सात आदतें जो इंसान को सफल बनाती हैं, तो वो सात आदतें आप लोगों को हो सकता पता हो। किस किस को पता है? नहीं पता। अच्छा नॉर्मल तो वही तुम लोग सोच रहे हो कि वही सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में लेट सोना चाहिए। नहीं, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी से निकल गया लेट बाकी सब लेट सोते हो। ठीक है, हाँ पढ़ने का एक टारगेट होना चाहिए। ऐसी कितनी आदतें हैं जो आपको पता है, लेकिन उनमें से सात कुछ ऐसी आदतें हम बताएंगे आपको जो हो सकता है आपको पता हो लेकिन फिर से आप जान लीजिए। सबसे पहली एक आदत है, इंसान को खुश रहना चाहिए। जो सबसे शुरुआत में सबने जो बात की थी, क्या किस चीज की बात की थी? खुश रहने की बात। खुश रहने की जो बात की थी सबने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोग बताए खुशी को कैसे तोड़ते हैं। कोई बताएगा कैसे तोड़ते हैं खुशी को? लोग बोलते हैं जब मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं कुछ कर जाऊंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, या मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, जब मैं बिजनेस होगा तब मैं खुश हूंगा। गलत है कि नहीं है? उस समय आपके पास खुश होने का टाइम मिलेगा क्या? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है खुश रहना। क्या होता है जो खुश रहता है वो दूसरे को भी खुश कर देता है, तो तीसरे को भी खुश कर देता है, तो चौथे को भी खुश कर देता है। वो कोविड वायरस से ज्यादा फैलता है। सही बात है कि नहीं? तो खुशी एक ऐसी चीज है कि आपको ना तरक्की में भी फायदा देती है। आप खुश होकर कहीं जाओ, खुश होकर कहीं रिलेशनशिप में रिश्तेदारों से मिलो, तो वो बिल्कुल अरे क्या खुश मिजाज लड़का है ये, मेरी लड़की की तरह। तो नहीं तो आप उदास होकर जाओ तो उदास में अरे कौन टाइप का लड़का, किसका लड़का है, अरे वो उनका हरे जी का है, कैसे उदासता रहता है। तो खुशी हर चीज को खींचती है। उदाहरण बताया मैंने, आप खुश रहोगे तो हर चीज मिल जाएगी, और दुखी रहोगे ना तो जो चीज है वो भी चली जाएगी। हो सकता है कुछ दिन बाद पैंट में हाफ पैंट में हो जाओ। तो ये एक उदाहरण है, मतलब धीरे धीरे चीजें घटती जाएंगी। तो आप खुश रहना सीखो। आपने देखा होगा आप होटल में जाते हो, होटल में जाते सर एक गार्ड है, हो सकता है आपके जेब में 500 रुपए और 100 रुपए, वो आपको बोलेगा आइए सर खुशी से, तो आपका चेहरा भी खुल जाएगा, सर बोल रहा है से और निकालना होता है कि नहीं होता है? तो खुश हो गया क्यों बोलता है आपसे? क्योंकि के लिए बोलता, सही बात है, क्योंकि आप अंदर जाके और अच्छा 500 लाए तो हो सकता है कि एटीएम निकाल के 1500 खा लो, क्योंकि आपको सर बोला। तो खुशी का है, खुश अगर आप रहते हैं ना तो बहुत सी चीजें पाल हो गए। पहले स्टेप है आप खुश रहिए, हर कंडीशन में खुश रहिए, ठीक है? देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आपकी जिंदगी में दो चीज तो होना ही होना है। क्या चीज होना पता आपको? एक जोखिम रिस्क आपको मिलना ही मिलना है। जब पैदा इंसान होता है तो शुरू से रिस्क मिलना चालू हो जाता है ना, रोने से रोने से शुरुआत होती है। दूसरा आपकी मृत्यु होना है, दो रिस्क जो मुमकिन है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम इन चीजों को लेकर बैठ जाएंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा ये कहना है कि हर हाल में खुश रहो, क्योंकि खुशी खुशी को खींचती है, ठीक है? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसा होता है हम लोगों का वो उसका पर्पस क्या है बताओ? क्या मोटिवेट करना और मैं बताएगा अच्छा लाइफ देना। देखो हम लोग तो अपने लिए भी कुछ कुछ सीखते हैं, तो आप लोग को भी सिखाते हैं, क्योंकि आप लोग की लाइफ बहुत आगे बढ़ते जा रही है। इसका उदाहरण दूंगा, आपने अतिक्रमण देखा है? अतिक्रमण जो होता रहता है, मतलब फिर उसको नगर निगम हटाती है, कुछ समय बाद फिर अतिक्रमण लग जाता है। वैसे ही मोटिवेशन, आप अभी सुन के जाओगे, हो सकता है 3 दिन बाद फिर आप भूल जाओ, फिर आप आओगे, फिर हम अतिक्रमण हटाएंगे। समझ में आया? मोटिवेशन भी अतिक्रमण टाइप का है कि अगर जिस दिन हमने ध्यान नहीं दिया आप फिर कोई रास्ते पे चलने ना होंगे, आप अपने एम भूल जाओगे। होता है ना नगर निगम 4 दिन नहीं आएगी तो फिर वो अतिक्रमण लग जाते हैं, फिर अतिक्रमण फिर वो नगर निगम वाले फिर हटाते हैं। तो हम नगर निगम का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सहयोग करें हमें। ये आपको बार बार याद दिलाने के लिए ये सेशन होते हैं कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, कहीं आप भूल ना जाओ। इसमें हम लोग का कोई शौक नहीं, पूरा आप ही को देना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या था?
दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है सोचने की आदत डालना। हम बहुत कुछ सोच लेते लेकिन गलत सोच लेते हैं, सही सोचने की आदत डालो। सही बात है कि नहीं? आप कितनी हद तक सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, आपको बन भी सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ सोचना, वो मैंने पहले बोला था, सोचना कोई नहीं सिखाता, कोई यूनिवर्सिटी सोचना नहीं सिखाती। अगर सोचना आपको आ गया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हो, आपका मकसद क्या है, आपको क्या बनना है, तो बन सकते हो। क्या बनना है, क्या करना है, क्या करना है लाइफ में। हर इंसान ना मान के चलिए, हर इंसान एक मकसद के लिए पैदा हुआ है, लेकिन हमारे जो मकसद रहता है ना, वो बहुत से भटकाव रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? अभी बहुत से भटकाव को बताएगा कौन कौन से भटकाव, बहुत से भटकाव है, एक गिनती नहीं है, अनंत गिनती नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। तो हर इंसान का एक मकसद होना चाहिए जिंदगी जीने का। तो सोचो कि आपको मकसद क्या है, क्यों जन्म लिया आपने, वही जन्म लिया। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चींटी है, मैं तो मतलब उसको पैटर्न में हमेशा करता हूँ, मैं पेपर पढ़ता रहता हूँ, एक चींटी आती है, चींटी तो सब जानते हैं, चींटी का कारण सबने देखा है, लेकिन मैं तो छटके बता रहा हूँ, एक चींटी है, ये है कि चींटी है, ये यहां से निकलती है, मैं पेन को ऐसे पेपर में कर देता हूँ तो अगर इसके अंदर जाती है ना, तो ये निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती बताओ? तो सोचती है कि ये कहां फंस गया। सोचने का काम तो चींटी भी कर रही है, सोचो आप है, इतनी सी चींटी, इतना दिमाग है, वो सोचती है कि इस नीले घेरे में कहां फंस गए। उसको ये नहीं मालूम है नीला घेरा सकते जा सकते हो, वो बार बार वो घेरे ही घेरे करती है। मैंने ये माया सब सोचने का काम तो वो भी कर रही है। तो अपन तो इंसान का जन्म मिला, इतना मोटा दिमाग मिला है, उसके बाद भी अपन सोचते नहीं है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, अपने सबसे ज्यादा हड्डियां कहां रहती है बताओ? पैर में सबसे ज्यादा हड्डियां, और कहां हड्डियां नहीं रहती है? चेहरे में। 125 एक्सप्रेशन है हमारे, उसके बाद भी हम बनाए रहते कैसे, मुरझाए हुए टाइप के। 125 एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपन, लेकिन अपन जो देते हैं वो मुरझाए हुए टाइप। तो दूसरा क्या है? सोचना, सोचो जरूर, क्या एवरी टाइम गुड थिंकिंग, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तीसरा विन टू विन, विन टू विन का मतलब क्या है? जीत। हाँ, विन टू विन का मतलब यह है कि आपके बाजू वाला जो बैठा है ना, उसको भी सहायता करो, उसकी भी, उसको भी। अपन क्या है, सिर्फ एक ही क्या करते हैं कि मैं ही विजय बनूंगी, मैं ही जीतूंगी, मैं ही सब करूंगी, मैं मतलब मैं छोड़ो, हम में आओ कि अगर मेरे बाजू में अगर तुम बैठे हो तुम भी आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी सहायता। हमारी दिक्कत में क्या है कि हम लोग सिर्फ अकेले चलने में विश्वास करते हैं। हेल्पिंग नेचर, हाँ हेल्पिंग नेचर रखो, हमारे यहाँ सॉर्थ बहुत है, हेल्पिंग नेचर रखो, मतलब आगे वालों को भी बढ़ाओ, पीछे सीखने का मतलब एक, जैसे हमारे अंदर तुम टैली करते हैं तो एक दूसरे को सिखाते हैं, आप लोग पढ़ते एक दूसरे को सिखाते हो, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के खुद कर रहे हैं। तीसरा थैंकफुल, चौथा थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब तो सबने अभी बताया था, मतलब शुक्रिया करना सीखे, आपको जो मिला है उसका शुक्रिया करना सीखे। आप यहाँ बैठे हो, कई लोग के पास तो साइकिल भी नहीं है यहाँ आने की, सही बात है कि नहीं? कई लोग इस कारण से नहीं आते, लोगों के पास कपड़े नहीं अच्छे पहनने के, अपने पास तो है, कई लोगों के पास तो पैर नहीं है चलने के लिए। तो ये थैंकफुल नेचर आपको रखना पड़ेगा, अगर आप थैंकफुल नेचर नहीं रखोगे ना तो घटता जाएगा और बढ़ेगा नहीं। तो थैंकफुल नेचर रखें, कितने पॉइंट हो गए? चार हो गए। इसके बाद है पांचवा है डिसीजन, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हो, मैं जानता हूँ ये सिर्फ डिसीजन के कारण बैठे हो। आपने कोर्स करने का डिसीजन लिया, आपने बैठ जाएंगे कोर्स करने का डिसीजन लिया, ये डिसीजन आपको कहाँ पहुंचाएगा आपको पता है ना? तो ये लाइफ में अगर आप डिसीजन लेते हो और सही समय में लेते हो तो वो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? मैंने डिसीजन लिया, सर ने डिसीजन को लेगा, हो सकता है डिसीजन फेल हो जाता तो नहीं लेते क्या? नहीं लेते तो आज यहां ना होते, डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे ना, ये बात सही है, डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो बाद में उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन कभी फेल नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है? डिसीजन कभी
कारण क्या है, आपको जो सीखने मिले रेफरेंस होगा उससे जो सीखने मिले वो लाइफ में काम आएगा आपके। तो डिसीजन लाइफ का मैच मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके ट्वेल्थ की आपके पिताजी बोले बेटा ये कर लो, नहीं पापा मेरे को तो आईएएस बनना है मैं ये करूंगा, आपका डिसीजन आपको मायने रखता है और पिताजी का डिसीजन अपने मायने रखता है। हो सकता है कि दोनों में आप एक जगह फेल हो जाए पास हो जाए, लेकिन उस समय क्या डिसीजन ले रहा वो आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ बना रहा है। सही बात है कि नहीं? किसी ने इंजीनियरिंग करने का डिसीजन ले लिया, चार साल तीन साल गुजार दिए, कुछ नहीं हो पाया, डिसीजन तो गलत था ना, लेकिन उस समय सही था जिस समय लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी सोचो ना अब क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो शाम कैसे हो गए, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, गंभीर हो जाते तो मेरे को लगता है ऊपर सुन नहीं जा रहा। ठीक है, इसके बाद है, इसके कितना हो गए, पांच पॉइंट हो गए। इसके बाद है एंड टू वर्क, मतलब आप जो कर रहे हो उसका अंत में परिणाम क्या होगा। कभी आपने सोचा है, आप कुछ भी चीज कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, इसका अंत में परिणाम आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मुझे परिणाम क्या होगा, इससे मेरे को नौकरी लगेगी, इससे मेरे को ये होगा, हर चीज पता है, तो आपका वो जो डिसीजन था वो सफल हो कहलाएगा। सही बात है कि नहीं? कितने पॉइंट हो गए? सिक्स। एक लास्ट पॉइंट है, लोगों से कम्युनिकेट करना सीखो, मतलब लोगों से जुड़ना सीखो। लास्ट, जो लोग ज्यादा सफल हुए हैं अभी तक जो रिसर्च की गई है, मैंने भी जहां पढ़ा है, वो लोग सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि लोग वो लोगों से जुड़े रहे। आज चाहे वो मदर टेरेसा जी हो या गांधी जी हो, या गांधी जी अकेले कमरे में बैठ के आजाद करा देते देश को, क्या है? सही बोल रहे कि नहीं बोल रहा है? क्या कोई नेता अकेले कमरे में बैठ के जीत जाता है क्या? तो जो सफल हुए ना वो अकेले नहीं हुए, वो सबके साथ हुए। तो हो सके तो जब तक जितना हो सके रिलेशन बनाने की कोशिश करो। मेरे को, मैं इनको नहीं जानता लेकिन मेरे से परिचय है, क्या पता कब काम आ जाओ। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी पहले पॉइंट दिलाओ। पहला पॉइंट क्या था? क्या था? हाँ खुश रहिए। दूसरा, सबको बोलना है, बोलने रहे। तीसरा, चौथा, फाइव, सिक्स, और लास्ट। चलिए ठीक है, इस पे एक काम करो, थोड़ा जब आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक चीज और हम करेंगे, एक पेज लो आप लोग, इसको रिकॉर्ड नहीं करते अपन सर। ठीक है, मैं हेल्पिंग नेचर के बारे में, हाँ बोलो चलो।